और जैसे ही कल ये वाला इंसिडेंस होता है मां सफदर वाला, वो क्या करती हैं, उनकी वही वाली वीडियो सेम टू सेम उठा के उन्होंने अपने पहले चैनल पे लगाई। एक ही दिन पहले, ये देखें, वन डे अगो 67K 67,000 लोगों ने इनकी वीडियो देखा। उसके फौरन बाद उन्होंने एक और वीडियो अपलोड की 179K, यानी कि 1,80,000 लोगों ने इनकी वीडियो को देखा। अभी एक दिन पहले की बात है कि मास सफदर, जो कि YouTube पर एक बेहतरीन व्लॉगर हैं और जाने माने व्लॉगर हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा उनके पास YouTube के सब्सक्राइबर हैं, वो एक दिन पहले, उनका प्लान होता है अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रे पर जाने का, और उसे एक दिन पहले यानी कि कल उनके भाई शाज सफदर, उनका भी YouTube का चैनल है, तो वो किसी काम के लिए नीचे उतरते हैं, अपने घर से नीचे उतरते हैं, अपना पासपोर्ट लेकर किसी काम से जाते हैं, फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं कुछ, किसी भी काम के लिए उनके पासपोर्ट उनके पास ही होता है। जैसे ही वो अपना काम ख़त्म करके वापस अपने घर पर आते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं, पीछे से 4 नामालूम अफराद बाइक पर सवार उनसे उनका वॉलेट, उनका पासपोर्ट, उनका सब कुछ छीन कर रफू चक्कर हो जाते हैं। और जब मास सफदर को ये बात पता चलती है, वो अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं। स्टोरी लगाने के चंद ही मिनटों बाद बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने उनकी स्टोरीज को, मास सफदर की स्नैचिंग स्टोरी को, यानी कि उनके भाई जो शाह सफदर हैं, उनके पासपोर्ट चोरी होने पर जब वो स्टोरी लगाते हैं, तो कुछ ही मिनटों में जो बहुत बड़े, यानी कि जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, जो नॉर्मल जो अभी ग्रो करने वाले होते हैं, जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, वो उनकी स्टोरी को इंस्टाग्राम फेसबुक से डाउनलोड करते हैं और वही सेम टू सेम स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, और देखते ही देखते मिनटों में उन पर लाखों में व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने YouTube पर अगर काम करना है, YouTube पर कामयाब होना है, तो आपने ट्रेंड को कैश करना है। यानी कि एक आप तो ये दिमाग से निकाल दें, यार किसी का नुकसान हुआ है तो इस पर वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, क्या नहीं है, अगर आप ये सोचते रह जाओगे ना, तो बस आप सोचते ही रह जाओगे। अगर किसी का नुकसान है तो कहीं पर किसी दुनिया के किस कोने में किसी न किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो नुकसान फ़ायदा ये चलता है। अब देखें, जैसे कि शाह सफदर जो कि अपनी फैमिली के साथ जाने वाले थे उम्रे पे, वो अल्लाह की यानी कि उम्रे पर जाने वाले थे, हो सकता है उनका बुलावा ना हो, सही है, और हो सकता है किसी मसलियत के तहत उनको रोका गया हो। वो एक बंदे का तो समझो नुकसान हो गया, सब कुछ टिकट विकेट सब कुछ कन्फर्म था, तो एक दिन पहले ये सब कुछ सीन होता है, तो हो सकता है यानी कि शाह सफदर मास सफदर के लिए तो ये समझ लें नुकसान है, लेकिन जो चीज़ वो चुरा के गया, जो चोर है, उसके लिए तो फ़ायदा हुआ ना, यानी कि किसी का नुकसान तो किसी का फ़ायदा। अब YouTube पर आप ये मत समझिएगा कभी कि यार हम इसके खिलाफ वीडियो, आप खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे, आप वो वाली न्यूज़ लोगों तक शेयर कर रहे हो पहले, जो पहले चैनल पर इस तरह की वीडियो शेयर होती हैं, वायरल टॉपिक, जो वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, वो इस तरह की वीडियो शेयर होती हैं, तो फौरन आपके पास सब्सक्राइबर वॉच टाइम फौरन एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो आपको आज यही बताने वाला हूँ कि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना है YouTube पर आके। आप अगर किचन के रिलेटेड काम कर रहे हो, आपके कुकिंग वीडियोस हैं, आप नॉर्मल व्लॉग्स बनाते हैं, आप देखे होंगे अब 3-4 साल हो जाते हैं लोगों को, वो YouTube पर ग्रो नहीं कर पाते, वो वायरल नहीं हो पाते, उनकी वजह यही होती है कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर पहले काम नहीं करते। आपने पहले ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर काम करना है, उसके बाद जब आपके पास ऑडियंस आ जाती है, फिर आप एक्स वाई जेड कुछ भी कॉन्टेंट डालें, लोग देखते हैं। आप आ जाएं, आपको मैं इसमें अपने YouTube अपने स्क्रीन पर आके दिखाता हूँ क्या इसका बेनिफिट क्या था लोगों को। जैसे मास सफदर ने अपनी वो स्टोरी अपलोड की, उसके बाद कुछ ही मिनटों में कुछ लोगों ने वहाँ से डाउनलोड की स्टोरी, उसको अपने सेम टू सेम एज इट इज़ वहाँ पे अपने YouTube चैनल पे जाके अपलोड कर दिया, और कुछ ही मिनटों में उनके पास लाखों में सब्सक्राइबर भी आ गए, हज़ारों में सब्सक्राइबर आ गए और लाखों में व्यूज़ आ गए। ये आ जाएं, आपको इसको यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये देखें, एक ये चैनल है, ये तकरीबन 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, ये इनके मेरे ख्याल से किसी बहन का है चैनल, किसी फीमेल का है चैनल, और ये कुकिंग की वीडियोस बनाती हैं। आप इनके बाद देखें कितने व्यूज़ आते हैं, एक साल पहले 500 व्यूज़ आ गए, 100 व्यूज़ आ गए, 188 व्यूज़ आ गए, एक साल पुराने वीडियोस। और जैसे कल ये वाला इंसिडेंस होता है मास सफदर वाला, वो क्या करती हैं, उनकी वही वाली वीडियो सेम टू सेम उठा के उन्होंने अपने पहले चैनल पर लगाई। एक ही दिन पहले, ये देखें, वन डे अगो 67K 67,000 लोगों ने इनकी वीडियो देखा। उसके फौरन बाद उन्होंने एक और वीडियो अपलोड की
179K यानी कि 180,000 लोगों ने इनकी वीडियो को देखा। उसके फौरन बाद उन्होंने 22 घंटे पहले ये देखें, 22 घंटे पहले 112,000 लोगों ने इनकी वीडियो को देखा, यानी कि लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। ये ट्रेंडिंग टॉपिक था, उन्होंने बस शाह सफदर के पीछे यानी कि जो भी इंसिडेंट हुआ उन्होंने फौरन उसको कैश किया। अब इनके पास देखें तकरीबन 3K इनके पास सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इनका तो वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया होगा और सब्सक्राइबर का इनका टारगेट भी कंप्लीट। अभी कुछ दिनों में इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और ये फिर कैश करना शुरू हो जाएंगी, पैसे कमाना शुरू हो जाएगा। अब इनके पास ऑडियंस आ गई, अब इनकी ऑडियंस जो है ये वीडियो देखेंगी, कुछ लोग वीडियो देखेंगे कुछ लोग नहीं देखेंगे, लेकिन ये कि इनका क्राइटेरिया पूरा हो गया। एक चैनल ये था, दूसरा चैनल ये देखें, एक ये भी न्यू चैनल है और इनकी वीडियोस देखते हैं। ये पुरानी वीडियोस में क्या क्या अपलोड कर रहे हैं पहले ये देखें, शॉर्ट्स वीडियो ऐसे नॉर्मल इन्होंने वीडियो अपलोड की। अब जैसे ही इन्होंने मास अफदर वाली वीडियो अपलोड की है एक दिन पहले देखें 25K व्यूज़। इनके नॉर्मल व्यूज़ कितने आते हैं, 197, 132, 142, 140 इतने इतने व्यूज़ आते हैं। मास अफदर की वीडियो डालने के बाद 25,000, 11,000, 16,000, 3.1K, यानी कि इन्होंने भी ट्रेंड को कैश किया है। अब अगर आप YouTube पर कामयाब होना चाह रहे हैं, कोई भी आप अपने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आपने सबसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक्स को अपने व्लॉग्स में ऐड करना है, सही है। आप सिर्फ ये वाला आप मास अफदर के पीछे नहीं पड़ जाए, आप डकी भाई हैं, आप पाकिस्तान के और भी व्लॉगर्स हैं, डकी भाई हो गए, शाहमीर हैं, उनके आप उनके शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करोगे तो आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आना स्टार्ट होंगे। मेन मसला होता है व्यूवर्स को अपने चैनल पर लेकर आना। व्यूवर्स कैसे चैनल पे आता है, जब आप कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देते हो दूसरे लोगों के बारे में जो कि वायरल हो चुके हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल में अपलोड करें तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो भी होगा और आप बहुत जल्दी यूट्यूब से पैसा कमाने के काबिल भी हो जाओगे। इस तरह के और भी टॉपिक्स अब मैं मज़ीद यूट्यूब की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कि आपने यूट्यूब पर किस तरह से काम करना है। पहली सीरीज यही थी तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इन लोगों के पास जो जो वायरल सेलिब्रिटीज़ होती हैं आपने उनको पकड़ना है, उनकी वीडियोज़ उनसे मुतालिक वीडियोज़ छोटे छोटे वीडियोज़ बनाकर आपने ये जो आपके चैनल मैंने दिखाए इनको देखिए इन्होंने वीडियोस कैसे अपलोड की हुई और कैसे इनके पास व्यूज़ आ गए हैं। इस तरह भी सेम टू सेम अगर आप इनके सेम टू सेम इसी तरह काम करेंगे ना जैसे इन लोगों ने काम किया तो आप भी वायरल हो सकते हैं, आपका भी चैनल ग्रो हो सकता है। आप स्टार्ट तो करें, आप ट्राई तो करें, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 5 से 6 चैनल भी नहीं, तकरीबन 15-20 चैनल तो ऐसे हैं कि रातों रात जो वायरल हुए हैं सिर्फ इस ट्रेंडिंग टॉपिक की वजह से कि मास अफदर का स्नैचिंग हो गई, पासवर्ड छीन गया और आज के दिन मास अफदर जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ उम्रे पर जा चुके हैं और जिनका पासपोर्ट चोरी हुआ था वो नहीं गए। ये व्लॉग भी आप मास अफदर के व्लॉगिंग चैनल में जाकर देख सकते हैं। मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें इस तरह की और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ देने के लिए। आपका चैनल भी ग्रो होगा और आप भी ग्रो होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।